राजधानी दिल्ली में अध्यादेश आने के बाद सड़कों पर जो सियासी बवाल हुआ, वही बवाल अब अध्यादेश के बिल की शक्ल में संसद में पेश होने के बाद भी हो रहा है। जी हाँ, मंगलवार को लोकसभा में बिल पेश होते ही संसद में जोरदार हंगामा हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से पावर मिलने के बाद केजरीवाल सरकार और अधिकारियों के बीच जो झगड़ा शुरू हुआ, जिसके बाद अध्यादेश लाया गया, जो केजरीवाल सरकार और अधिकारियों के बीच एक और विवाद की जड़ बना, अब उस अध्यादेश के बिल के रूप में संसद में पेश होने के बाद भी केजरीवाल सरकार और अधिकारियों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, बता दें कि अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को लेकर केजरीवाल सरकार और अधिकारी आमने सामने आ गए हैं। दरअसल दिल्ली में आगामी चुनावों को देखते हुए प्रशासन ने दिल्ली के शिक्षकों को BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर के रूप में काम पर लगाया हुआ है, जिसे लेकर अब दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशक ने रेवेन्यू सेक्रेटरी अश्वनी कुमार को चिट्ठी लिख शिक्षकों की BLO के रूप में ड्यूटी लगाने के आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए लिखा। कई SDM शिक्षकों की फुल टाइम BLO के रूप में ड्यूटी लगा रहे हैं, इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी। सितंबर में बच्चों का फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम होना है और शिक्षक उसकी तैयारी में लगे हैं। संविधान के सेक्शन 27 और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक शिक्षकों की गैर शैक्षिक कार्यों में ड्यूटी लगाना ठीक नहीं है, इसलिए इस आदेश को वापस लिया जाए। अब शिक्षा निदेशक की तरफ से दिल्ली सरकार के शिक्षकों की ड्यूटी किसी दूसरे काम में लगाने को लेकर जो चिट्ठी लिखी गई थी, ये खबर लिखे जाने तक फिलहाल रेवेन्यू सेक्रेटरी अश्वनी कुमार की तरफ से शिक्षा निदेशक को अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि ये बीते एक हफ्ते में दूसरी बार है जब किसी बात को लेकर केजरीवाल सरकार और प्रशासन में तल्खी देखी गई हो। इससे पहले आपको याद होगा कि आज जिस रेवेन्यू सेक्रेटरी अश्वनी कुमार को चिट्ठी लिख शिक्षा निदेशक ने BLO के रूप में काम कर रहे शिक्षकों को वापस उनके काम पर भेजने की मांग की है, उन्हीं अश्वनी कुमार को चिट्ठी लिख आतिशी ने बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा न मिलने और देरी के चलते जमकर फटकार लगाई थी। बहरहाल देखना यह होगा कि संसद में जो बिल पेश हुआ है अगर वो पास होकर कानून बन जाता है जिसके मुताबिक दिल्ली में नौकरशाही राज हो जाएगा, ऐसे में केजरीवाल सरकार और अधिकारी एक साथ मिलकर कैसे काम करेंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।